नेतृत्व के और मल्होत्रा जी उसी राह पर चले गए। महोदय, हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाली शक्तियां यहाँ बैठी है। और पोखरण का ठीक जिक्र किया कल प्रणव बाबू ने, सारे लोगों ने, 2 महीना में ये कहां से बनाए थे, ये फोड़ने का क्रेडिट लेने का इकोनॉमिक सेंक्शन हो गया, ईंधन परमाणु पर रोक लगी, आज भी रोक है, हमने कहीं दस्तखत नहीं किया है महोदय। और ये सारे लोग, ये तालबोट है, कोई तालबोट जी, तालबोट जी, तालबोट जसवंत जी, ये जसवंत जी या तालबोट, क्या लिखा कि पूरा इसमें पढ़ लेना, आप पढ़े हुए हो, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दे के सुनना, रेलिवेंट पार्ट को मैं पढ़ता हूँ। ये क्या बीजेपी के माननीय सदस्यों को, ठीक है राम गोपाल जी ने, कि जब कोई सरकार जाती है तो जो मंत्रिमंडल रहता, केयर टेकर रहता, आप लोग आउट होइएगा, सो बात यह नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तालबोट जसवंत विजिबली टेकन अबैक संडे वेमम इंसिस्टेड दैट वाजपेयी हैड मेड एन आई रेवे सिविल डिसीजन, मैंने इसको पीछे हट नहीं सकने वाला डिसीजन वाजपेयी जी ले चुके हैं, और कब और कहां इसका अनाउंसमेंट हो, नॉट ओनली जसवंत सिन्हा, यूएनओ में जाके वाजपेयी जी का ऑन रिकॉर्ड भाषण है कि सीटीबीटी पर दस्तखत करना है। कम्प्रहेंसिव, कहां फंसे हुए हैं जोर साहब? जोर साहब आप मुख दर्शक हैं, आपने हमको समाजवाद का पाठ पढ़ाया था, मुलायम सिंह को पढ़ाया था, आप कहां बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं? ये है इसमें महोदय, ये है, ये मूल ढांचा, ये हमारे गुप्ता जी सीपीआई के नेता गुरदास्ता जी भाषण कर रहे थे, टीवी पर इंटरव्यू आया था, हमको रोटी चाहिए, रोटी, लगता है भूखे हैं इतना दिन, रोटी कहाँ से आएगा गुप्ता जी, हाँ 7 साल से लगता खाए ही नहीं है, रोटी कहाँ से आएगा? देशवासियों, संसद के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, रोटी आएगा तो आसमान से नहीं आएगा, रोटी वहां से नहीं छलकेगा, इंडस्ट्री नहीं छलकेगा, रोटी आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगा, आधारभूत संरचना। और यही हमारी कमी है भारत में कि हमने अपने आधारभूत संरचना का सृजन नहीं किया आजादी के 7 साल के बाद, जिस पर हमारा यूपीए गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन है। पावर, जब पावर की बात होती है, बीजेपी गवर्नमेंट, उत्तराखंड, खंडूरी जी का मंत्रिमंडल निर्णय लेने वाला था, हाइडल का 2-2 प्रोजेक्ट कैबिनेट में आया था, अभी कोई प्रोफेसर साहब बैठ गए आमरण अनशन पर, वापस लेना पड़ा, विश्व हिंदू परिषद बैठा, अब उनके कारण अलग उसको हटाना पड़ा। जब जब इस देश में, चाहे हमारा वो जो टेहरी डैम हो या मानसरोवर हो, गुजरात से जो डैम मारा पानी, कनाल का पानी, नर्मदा, ये जब आ रहा है तो माननीय सुंदरलाल बहुगुणा जी खड़ा हो जाते हैं और दिल्ली का शासन हिलने लगता है, मेधा पाटकर बहन आ जाती है, एनजीओ आ जाता है, पॉल्यूशन की बात होने लगती है, तो रोटी आएगा गुप्ता जी, तो इनकलाब मुर्दाबाद एडी अलगा के भाषण करने से नहीं आएगा।
बोलते बोलते आपने बाल पका दिया, मैं भी आपके साथ पाइपलाइन में लगा हुआ हूं। इसलिए बात वो नहीं है, मैं जानता हूं कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सीपीएम गवर्नमेंट। कलकत्ता के शासन से आप खुश सीपीआई नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। मैं आगे भंडाफोड़ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा कोशिश होगा कि आपको अभी रिझाते रहे। वो दूर के मुसाफिर आ जाओ। हाँ साथ ले लो, इसमें कहने हरे भाई। आप कहाँ चाह रहे हैं? आप नहीं जवाब दे पाइएगा देश को। ये लाल झंडा, हरा झंडा, भूल उधर ये पीला केसरिया, बोलो है, मुड़ी डलाने से नहीं होगा। वोट करिएगा पकड़ा जाइएगा, आप भाषण करिए वॉकआउट होकर चले जाइए, हो गया आपका। बात ये हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। ये सरकार को आपका समर्थन मजबूत था, इसके लिए आप लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। जितना दिया जाए कम है, लेकिन समूचा दिया हुआ ये सब आपका धन्यवाद, समूचा आप लोग बुरुज करने जा रहे हैं, खत्म होने जा रहे हैं। ये पाडवानी जी क्या बोलती है भाई? अमेरिका के खिलाफ भी कुछ नहीं बोले, डील के खिलाफ नहीं बोले, यूरेनियम के खिलाफ नहीं। रीनिगोशिएट करेंगे, हम आएंगे तो आने कहा है आपको कि आएंगे। देहात में भोजपुरी इलाका का, भोजपुरी का बहुत इलाका है महोदय मजबूत। भोजपुरी में एक कहावत है आज से नहीं कि पुतवो मीठा भतरो मीठ, पुतवो मीठ बने सन इज ऑल्सो स्वीट एंड हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। हम किसका कसम खाएं? एक तरफ बेटा है, दूसरे तरफ पति है, हम कसम खाएं तो किसका कसम खाएं? ये आडवाणी जी का इनका हाल है। चले गए, हिंदुत्व का नारा देते, जिन हिंदुओं के माता पिता सास ससुर स्वर्गवास कर जाते, सच्चा हिंदू वही है, उनके माता और पिता बिहार के गया में विष्णुपद के पेड़ों पर प्रतीक्षा करते कि मेरा संतान आया कि नहीं पिंडा देने। आप में से कितना आदमी गया पिंडा देने? कितना आदमी पिंडा ना करो, कितना आदमी पिंडा किया? हाथ उठा के बताओ जिनके मर गए हैं। हमने देखा माता पिता, अरे हमारा हिंदू हमारा धर्म है कि हम आजकल मैं देखता हूं, अरे हरिद्वार में पिंडा ग्रंथ आप पढ़ो ना बाबा, आगे ग्रंथ पढ़ो विश्व, वहां हरिद्वार में नहीं होता, हरिद्वार में नहीं होता, विश्व मंदिर वहां है। इसलिए महोदय तो मैं आपको बताना चाहता हूं सीपीएम के साथियों को कि अभी से भी संभलिए, कल भी हम लोग रहेंगे, ये देश को तोड़वाइए नहीं। ठीक कहा मुलायम सिंह यादव जी ने, ये बाबरी मस्जिद गिराया लोगों ने, अच्छा धाम को गिराया, और आतंकवाद की आप चर्चा करते हैं। अफजल गुरु, अफजल गुरु, अफजल गुरु, ये अफजल गुरु का जो गुरु थे दुनिया में, जो नामी और ग्रामी जो टेररिस्ट हैं, वो मौलाना अजहर मसूद को किसने छोड़ा? जवाब देना पड़ेगा। जहाज लेके कौन गया, कौन गया वहां देश को? कौन गया वहां? और ये नेता बैठो बच्चा है, बैठो बैठो बैठा, खड़ा उल्टा है, ठीक है, हो गया, बैठे हो गया महोदय।